ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग को टेक्नोमेडिक क्लासेस के तरफ से बीम जो सपोर्ट पे रखा हुआ है वहाँ पर रिएक्शन निकालेंगे, जो बहुत ही यूजफुल न्यूमेरिकल है फॉर पॉलिटेक्निक के लिए, जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग ये सब पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए पर, बी पर, सी पर और डी पर रिएक्शन निकालेंगे। एक बीम है जो दूसरे बीम पे रखा हुआ है, इसको देखना है कि निकालना कैसे है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबका इस पार्ट को अलग करो, इस पार्ट को अलग करो। तो सबसे पहले ए और बी को अलग करो, आप ए और बी को अलग करो, ए और बी को अलग करो और यहाँ पर रिएक्शन लगाओ। आर ए, क्या ये लोड है तो ऊपर से लग रहा है, बीम है तो रखा हुआ तो ऊपर लोड लगेगा। ये हमारा आर ए हो गया, ये हमारा सामने आपका कितना हो गया, 80 किलो न्यूटन, कितना मीटर पर लग रहा है, 3 मीटर पर। अब यहाँ से कितना है, 1 मीटर, 1 मीटर पर हमारा क्या लग रहा है ऊपर की ओर रिएक्शन, आर बी। अब क्या करना है, अब देखना है कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसमें अप्लाई करना है। क्या करना है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में तीन, पहला सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू जीरो, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो और सम ऑफ मोमेंट अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट इक्वल टू जीरो। तो हम पहला कंडीशन देखते हैं कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू जीरो, इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, लागू नहीं होगा। क्लियर। अब देखना है कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो देखना है। तो वर्टिकल फोर्स देखिए, दो आर बी और आर ए ऊपर की ओर लग रहा है और ये 80 किलो न्यूटन नीचे की ओर लग रहा है, यानी इसको क्या करेंगे, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना, 80 किलो न्यूटन, क्योंकि ये निगेटिव है तो इसे इक्वल अगर करना चाहते हो तो यहाँ पर माइनस लिखो, इक्वल टू जीरो। तो आर ए प्लस आर बी बराबर क्या, 80 किलो न्यूटन, बोलो जी, ठीक है ना। अब यहाँ तो ये निकल गया, अब हमको निकालना है, अब मोमेंट देखना है, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो, ए के अबाउट लो चाहे बी के अबाउट लो, बात क्या पड़ेगा, बराबर ही पड़ेगा। तो यहाँ से टेकिंग मोमेंट लिखेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, तो ये लीजिए। अब ये देखिए कौन बाइज जा रहा है, एंटी क्लॉक बाइज, एंटी क्लॉक बाइज की क्लॉक बाइज, एंटी क्लॉक बाइज, एंटी क्लॉक बाइज जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, माइनस आर बी गुना यहाँ से लेके यहाँ तक के क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 1 मीटर, 3 मीटर, कितना, 4 मीटर। अब ये देखिए ये कौन वाइज जा रहा है, क्लॉक वाइज, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 80 गुना कितना, 3 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से आर बी निकाल लो, आर बी गुना 4 बराबर 8 × 3 = 24, 240, यानी आर बी बराबर कितना हमारा आ गया, 240/4, कितना, 60 किलो न्यूटन। ये आपका यानी आर बी निकल गया, आर ए निकल जाएगा, आर ए का यहाँ आर बी का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, किस में, इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन में आर ए प्लस 60 आर बी का वैल्यू पुट कर दिए बराबर 80 किलो न्यूटन, तो आर ए बराबर कितना आ जाएगा आपका, 20 किलो न्यूटन। आपका आर ए निकल गया, आर बी निकल गया। अब कंसीडर करेंगे दिस सेक्शन को, कौन सेक्शन को, इस सेक्शन को कंसीडर करेंगे, कौन बीम, बी से डी तक करेंगे, इसको साफ कर देते हैं। चलिए यहां से अब हमको इसको, इस बीम को, सेक्शन को देखना है, तो यहां पर जितना सेंटीमीटर दिया हुआ उसको उतना मीटर का हम ले लेंगे
और देखिए अब आरबी ऊपर से लग रहा था, आरबी नीचे से लग रहा, तो यहाँ पर ये लोड है जो किधर लगेगा, इस बीम पर ऊपर से लगेगा, यानी आरबी आपका यहाँ, आरबी कितना था, आरबी का वैल्यू 60, यानी 60 किलो न्यूटन यहाँ से लगेगा। ठीक है, ये हमारा सी आर सी है, ये हमारा आर डी। अब यहाँ से कितना है, ये 4 मीटर है, और यहाँ से कितना है 0.5 मीटर है। अब वही चीज करेंगे, टोटल ए वाला तो कैंसिल होगा ही होगा, अब इसको अप्लाई करेंगे तो आर सी प्लस आर डी बराबर कितना, 60 किलो न्यूटन, इक्वेशन 1। अब यहाँ पर क्या करो, आर डी के अबाउट लो या आर सी के अबाउट लो, मोमेंट लो, तो मोमेंट अबाउट डी, तो लिख ये कौन बाइज जा रहा है, एंटी क्लॉक बाइज, ये फोर्स जो लग रहा है कौन बाइज लग रहा है, एंटी क्लॉक बाइज, तो माइनस आर बी गुना 4.5, यहाँ 0.5 प्लस 4.5। उसके बाद इसको देखो कौन बाइज लग रहा है, क्लॉक बाइज, क्या लग रहा है, क्लॉक बाइज, तो प्लस आर सी गुना 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक करें, इसको उधर कर देंगे, तो आर बी, आर बी, आर बी का वैल्यू दिया हुआ कितना 60। अब यहाँ से आर सी निकाल लेंगे, आर सी बराबर कितना आ रहा है 67.5 किलो न्यूटन। अब आर सी का वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, आर डी निकाल लीजिए, तो आर सी कितना है 67.5 किलो न्यूटन प्लस आर डी बराबर 60 किलो न्यूटन। तो यहाँ से पुट करेंगे तो आर डी का वैल्यू कितना निकल जाएगा, -7.5 किलो न्यूटन, यही आपका आंसर, दैट्स ऑल। हो सके तो जितना आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट अवश्य करें, थैंक यू।